हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टू कलर डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ। चलते जी हैं। जी चार जी लाइनें मैंने पहले से ही बुन रखी हैं। अब मैं डिज़ाइन स्टार्ट करने वाली हूँ। धागा चेंज करते हुए सबसे पहले मैंने क्रीम कलर से दो फंदे सीधे बुने, उसके बाद बीच में तीसरे होल में डालते हुए फंदा बाहर निकाल लेंगे। फिर हमने दो फंदे सीधे बुने, फिर 1 2 3 तीसरे होल में डालते हुए सीधा बुनते हुए धागा आगे को ले आएंगे। फिर हमने दो फंदे सीधे बुने, फिर हमने तीसरे होल में 1 2 3 तीसरे होल में डाल के ऐसे सीधा बुनते हुए धागा अपनी तरफ को ला के ये लूज छोड़ते हुए फिर दो फंदे हमने सीधे बुन लिए। फिर सेम पहले की तरह तीसरे होल में डाल के सीधा बुनते हुए आगे को ले आएंगे, फिर दो फंदे सीधे बुने। इस तरह हम पूरी लाइन कंप्लीट करते जाएंगे। ये मैंने पूरी लाइन बुन ली है। अब पीछे की साइड यानी बैक साइड में चलते हैं। दूसरी लाइन में उल्टा बुनेंगे। दो फंदे जो सीधे बुने थे वो उल्टे बुनेंगे, जो एक बढ़ा हुआ फंदा था उसको सेम ऐसे ही उतार लेंगे, बुनेंगे नहीं। फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर जो बढ़ा हुआ फंदा था इसको ऐसे ही उतार लेंगे उल्टी सिलाई में। दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर बढ़ा हुआ फंदा उतार लेंगे। दो फंदे उल्टे बुनेंगे और ये वाला फंदा उतार लेंगे। दो फंदे उल्टे बुनेंगे और ये फंदा उतार लेंगे। दो फंदे उल्टे बुनेंगे और ये फंदा ऐसे ही उतार लेंगे। दो फंदे उल्टे बुनेंगे और ये फंदा बिना बुने ही उतार लेना है। दो फंदे उल्टे बुनेंगे और ये फंदा बिना बुने उतार लेना है। इस तरह पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमारी दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई है। चार लाइनों का डिज़ाइन है। अब आते हैं तीसरी स्टार्ट लाइन करने में, वाली हूँ। जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैंने क्रीम कलर से सीधा फंदा बुना। अभी जो ये बढ़ा हुआ फंदा है इसमें हमें दो फलियां दिख रही हैं, एक ये और एक इसके नीचे। बड़ी वाली ऊपर वाली फली को इस वाले फंदे से, ये देखो ये फंदा है, इस वाले बड़ी वाली फली को सीधे में बुनते हुए ऐसे सीधा बुन लेंगे। अब ये जो दूसरी फली दिख रही है इसको लेफ्ट हैंड वाली सिलाई में उतार के बीच से डालते हुए पीछे की साइड में सीधा बुन लेंगे। सेम ऐसे ही ये जो बढ़ा हुआ फंदा है इसके हमें दो दिखाई दे रहे हैं, दो भाग। ऊपर वाले भाग को हम सीधा बुनते हुए इस वाले फंदे से सीधा बुन लेंगे। अब ये जो दूसरी फली फली का ये वाला भाग है इस वाली सिलाई में डाल के सीधा पीछे की तरफ निकालेंगे और सीधा बुन लेंगे। इस तरह ये ऐसे आ जाएगा। सेम ऐसे ही ये जो बड़ा हुआ फंदा है दो का एक कर देंगे ऐसे। फिर इसको भी इसमें डाल के दो हो जाएंगे, इसको भी दो का एक कर देना है। फिर ऐसे ही ये जो बड़ा हुआ फंदा है इसको इस वाले फंदे से दो का एक कर देना है। फिर इस वाली फली को इसमें उतार के इसमें पीछे की तरफ निकाल के सीधा बुनते हुए दो का एक कर देना है। इस तरह हम पूरी लाइन बुनते जाएंगे। कंप्लीट हो गई है। अब मैं चौथी लाइन पे चलते हैं। ये पूरी लाइन हमने उल्टी बुननी है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ पूरी लाइन हम उल्टा बुनते हुए जाएंगे। पूरी लाइन हमने उल्टी बुनते हुए जाना है। इस तरह ये चार लाइनों में डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये चार
लाइनों में मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दूसरे रंग का ऊन यूज़ करके डिज़ाइन फिर से यही बनाऊंगी। दो फंदे हमने सीधे बुने जैसा कि हमने सबसे पहली लाइन में बुना था, सीधा बुना। अब ये बीच में होल देखते हुए तीसरा जो होल दिख रहा है, 1 2 3, यानी नीचे वाले होल से ऊपर वाले होल में डाल के सीधा बुनते हुए दूसरे रंग की ऊन से निकालेंगे। फिर दो फंदे हमने सीधे बुने, सीधा बुना जैसा हमने पहले बुना था। अब इसमें ऐसे ही एक होल, दो होल, तीसरा होल, सबसे नीचे वाले में नहीं डालना, नीचे से ऊपर वाले में, ऊपर से तीसरे होल में सिलाई पीछे की तरफ डालनी है, सीधा बुनते हुए अपनी तरफ को निकालना है। फिर दो फंदे सीधे बुने, दो फंदे हमने सीधे बुने। फिर वैसे ही 1 2 3, तीसरे होल में डाल के पीछे की साइड में सीधा बुनते हुए अपनी तरफ को निकाल लेना है। फिर दो फंदे हमने सीधे बुने। इस तरह हम पूरी लाइन बुनते जाएंगे। ये मैरून कलर से हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी लाइन यानी बैक साइड में उल्टी साइड में चलते हैं। इसमें दो लाइन, दो पहला और दूसरा फंदा हमने उल्टा बुना। जो बड़ा हुआ फंदा था उसको ऐसे ही उतार लेंगे, ऐसे ही उतार लेंगे। दो फंदे जो उधर सीधे बुने थे वो इधर उल्टे बुने जाएंगे। ये बड़ा हुआ फंदा ऐसे ही उतार लेंगे बिना बुने। दो फंदे उल्टे बुनेंगे, ये फंदा बड़ा हुआ ऐसे ही उतार लेंगे। दो फंदे उल्टे बुनेंगे, ये फंदा बिना बुने उतार लेना है। दो फंदे उल्टे, इस तरह पूरी लाइन यानी कि दूसरी लाइन बुनेंगे। अब ये मैरून कलर से मेरी दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब तीसरी लाइन जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत से ध्यान देने की बात है। सबसे पहले हमने सीधा फंदा बुना। अब ये बड़ा हुआ फंदा है उसके इधर और इधर ये ऊपर से दो का एक कर देंगे। अब ये फली का ये वाला फंदा इस वाले के साथ बीच में डालते हुए पीछे के साइड से सीधा बुन लेंगे। ये बड़ा हुआ फंदा है, इसके हमें दो भाग दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले भाग को इस वाले फंदे से सीधा बुनते हुए दो का एक कर देंगे। अभी नीचे वाली जो फली दिख रही है इसको इस सिलाई में उतार के बीच में डालते हुए, इस वाले फंदे के बीच में डालते हुए पीछे निकालना है और सीधा बुनते हुए बुन लेना है। फिर ऐसे ही ये जो बड़ा हुआ फंदा है इसको ऊपर वाला भाग जो है इस वाले फंदे में डाल के सीधा बुनते हुए सीधा बुन लेना है। अब ये जो फली है इसके नीचे वाला भाग है इस वाली सिलाई में डाल के पीछे की तरफ निकालते हुए सीधा बुनते हुए जाना है। इस प्रकार हम पूरी लाइन इस तरह ही बुनते जाएंगे। अब मैरून कलर से हमारी तीसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब हम चौथी लाइन पे चलते हैं, जो कि पहले की तरह ही पूरी लाइन हमने उल्टा बुनना है। इस तरह उल्टा बुनते हुए जाना है, पूरी लाइन हमने उल्टी बुननी है। इस तरह हमारा पूरा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अब ये मेरी चौथी लाइन मैरून कलर से कंप्लीट हो गई है। अब हम क्रीम कलर से फिर से डिज़ाइन ये सेम ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। मल्टी कलर भी हम लगा सकते हैं, ये बहुत सुंदर लगता है डिज़ाइन। ये डिज़ाइन बनने के बाद ऐसा लगेगा। और आपको अगर मेरा डिज़ाइन पसंद आता तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।